नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप? सब ठीक है? ऐसे ही आप खुश रहा करिए मित्रों, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप खुश रहते हैं। तो मित्रों, मैं बताने जा रही हूँ कि हनुमान जी का जन्मदिन है, तो उनको खुश करने के लिए जो आप आराधना करते हैं उसमें जो वस्तुएं लगती हैं, तो वो उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो सिंदूर हनुमान जी को बहुत प्रिय है। हनुमान जी को सिंदूर या चोला चढ़ाने से या अति शीघ्र खुश हो जाते हैं। कहते हैं सीता माता को श्री राम जी के नाम का सिंदूर लगाते हुए हनुमान जी ने देख लिया था उत्सुकता वश। उन्होंने माता जानकी से इसके बारे में पूछ लिया। माँ जानकी ने बताया कि सिंदूर लगाकर वो श्री राम की अधिक आयु की विनती करती हैं। बस यह बात हनुमान जी के दिमाग में बैठ गई और उन्होंने तो अपने पूरे शरीर पर ही सिंदूर लगा लिया। तब से उन्हें सिंदूर चढ़ाने की परंपरा बन गई। चमेली का तेल, कभी भी सिर्फ चमेली का तेल अकेले हनुमान जी को भेंट ना करें, या तो इसे सिंदूर के साथ या इसका जोत जलाकर ही आप अर्पित करें। चमेली के तेल में अच्छी महक और वशीकरण की शक्ति होती है मित्रों। तो लाल झंडा, हनुमान मंदिर में आप जाएं, बजरंगबली के मंदिर में, और वहां पर लाल झंडा इनके विजयी की कीर्ति के यश के लिए लगाएं। तुलसी पत्ता, मंगलवार को तुलसी जी के पत्तों की माला हनुमान जी को पहनाएं। और हनुमान जी को क्या पसंद है मित्रों? हनुमान जी को पसंद है लड्डू। हनुमान जी बजरंगबली को मिठाइयों में बहुत पसंद है, उनमें से भी लड्डू। एक बार भूख लगने पर उन्होंने सूर को भी लड्डू समझ के लपक लिया था मित्रों। राम नाम इन्हें बहुत प्यारा है, इससे बहुत खुश हो जाते हैं हनुमान जी। हनुमान जी को मिठाई के बाद पान भी खिलाया जाता है। बालाजी का पान पान की दुकान पर मिलता है। लौंग और इलायची हनुमान जी को बहुत प्यारी है। राम नाम की पीपल के पत्तों की माला, राम भक्त हनुमान जी की बहुत प्रिय हैं। पीपल के पत्तों की आप माला बना लीजिए मित्रों, उन्होंने मंगलवार को पहना दीजिए तो वो बहुत खुश हो जाएंगे। जनेऊ, बाल ब्रह्मचारी श्री हनुमान जी को हिंदू धर्म परंपरा के अनुसार जनेऊ भी अति प्यारा है। तो धन्यवाद मित्रों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।